नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इसी प्रकार से भी एड प्रवेश परीक्षा में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और हाँ, क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन ऐड निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गैलीलियो गैलीली। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगर हम ऑप्शन की बात करें, हरगोविंद खुराना, इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी, आप लोग याद रखिएगा। सी वी रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, आप लोग याद रखिएगा। चारों ऑप्शंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर दो के लिए आपको बताना है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एनीमिया। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है ऊंट के कूबड़ में किसका संचय होता है। चलिए सभी लोग आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसा, फैट। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक अंत नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एकस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब एकस एक इलेक्ट्रॉनिक अंत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आर्मी जीडी में यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। चलिए आप लोग आंसर करिए, अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सीएनजी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने, आपको बताना है हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए वाटर, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी डीजल, ऑप्शन नंबर डी अणुशक्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पानी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का जो स्रोत है वो पानी होता है, ऑप्शन नंबर ए जिसने भी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सात आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है। दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा सोडा बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। अब आपसे इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा CO2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए आप लोग आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सेल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है एक किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है। चलिए आप लोग आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1000 कैलोरी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों एक किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है जीव विज्ञान के पिता कौन है। चलिए आंसर करिए, ऑप्शन दिए गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरस्तु। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है हवा क्या है। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर ए भारहीन, ऑप्शन नंबर बी भारयुक्त, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारयुक्त। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों हवा ये भारयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रॉन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों विद्युत धारा ये इलेक्ट्रॉन से प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग बताइएगा भार मापने की इकाई क्या है। चलिए आंसर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पाउंड। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा भार मापने की इकाई क्या होती है, पाउंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम ऑप्शन की बात करें, सेल्सियस ये दोस्तों ताप की इकाई है, कैलोरी ये ऊर्जा की इकाई है, और अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, रिएक्टर ये भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। तो आप लोग चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, चारों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है एस्टिक एसिड का रासायनिक फॉर्मूला। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा, क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CH3COOH। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम एस्टिक एसिड की बात करें, ये दोस्तों सिरका का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अगर हम ऑप्शन की बात करें, NaCl ये दोस्तों सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें, CH3OH ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा मेथनॉल का फॉर्मूला है, इसी को मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, NaOH ये दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। तो आप लोग चारों ऑप्शन के बारे में याद रखिए, चारों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है सेडेराइट किसका अयस्क है। चलिए आप लोग आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सेडेराइट ये लोहा का अयस्क है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 14। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। चलिए आप लोग आंसर करिए, क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेप्रॉन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, नेप्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगर हम लिथियम की बात करें, यह सबसे हल्की धातु है, आप लोग याद रखिएगा लिथियम हम इसे Li से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको इसका परमाणु क्रमांक बताना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 3। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 3 होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है डायनमो का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, माइकल फेराडे। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। डायनमो इसका आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा। ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, घट जाता है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाएगा तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 2018 में जो आर्मी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है किस लोह अयस्क में 72% लोहा होता है। चलिए आप लोग आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैग्नेटाइट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा मैग्नेटाइट में 72% लोहा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग याद रखिएगा मैग्नेटाइट ये दोस्तों लोहा का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, CO होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत में कमी का प्रमुख कारण है। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इंसेफ्लाइटिस रोग ये किसके कारण होता है। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
वायरस। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, मस्तिष्क ज्वर नामक रोग ये दोस्तों वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कान में कितनी हड्डियां होती हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 3। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कान में 3 हड्डियां होती हैं। आप लोग याद रखिएगा, स्टेपिस ये कान की हड्डी है, और दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान में होती है स्टेपिस। आप लोग याद रखिएगा, इनकस ये भी कान की हड्डी है, मेलियस ये भी दोस्तों कान की हड्डी है। तो आप लोग तीनों के बारे में याद रखिए, तीनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्रोत का कारण है। चलिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन आपके सामने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश संश्लेषण। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्रोत का कारण क्या है, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए सभी लोग याद रखिएगा। जिसने अभी लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है। चलिए आप लोग आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है, लीवर में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है ठोस में तरल विलयन का उदाहरण है। ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जेल। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। आपको बताना है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से साइंस में पूछा गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रोमर। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, रोमर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है स्मॉग एक मिश्रण है। सभी लोग आंसर करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, धूम्र और कोहरे का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था भारत के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लखनऊ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है हीरा और ग्रेफाइट हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपरूप है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। सभी लोग आंसर करेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इस्पात, ऑप्शन नंबर बी पीतल, ऑप्शन नंबर डी वायु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है खट्टा स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। खट्टा स्वाद ये जीभ के साइड से हमें पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है क्यूपराइट किसका अयस्क है। सभी लोग आंसर करेंगे, ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी गोल्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्यूपराइट ये कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था।
चलिए आप लोग आंसर करिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉपर। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मनुष्य ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था वो तांबा थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर बी नीम, ऑप्शन नंबर सी नारियल, ऑप्शन नंबर डी सुपारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सभी लोग आंसर करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारा, मरकरी। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आप लोग आंसर दीजिएगा। आपको बताना है सबसे बड़ा स्तनपायी क्या है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्लू वेल। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। सरल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है भारी जल का फॉर्मूला। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, D2O। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा, भारी जल का जो फॉर्मूला है वो D2O होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें, शुद्ध जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। आप लोग याद रखिएगा HNO3, ये दोस्तों किसका फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है क्या, HNO3। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। तो आप लोग चारों के बारे में याद रखिए, चारों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केंचुआ। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है द्रव की चौथी अवस्था कौन सी है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, प्लाज्मा। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। द्रव की चौथी अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊर्जा। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर बलता है क्यों। इसका आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि दोस्तों पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, इसीलिए जो जल है वो कम तापमान पर बलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है 100 डिग्री सेल्सियस के जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से जलना क्या होता है। सभी लोग आंसर करिएगा, ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा, अधिक खतरनाक होता है। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है गोबर गैस में किसकी बाहुल्यता होती है। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। गोबर गैस में किसकी बाहुल्यता होती है, मीथेन की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मीथेन। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा CH4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। सभी लोग आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डिप्थीरिया। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। डिप्थीरिया ये एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है निम्न धातुओं में से कौन सी चमकदार होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आयोडीन। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा आयोडीन ये एक चमकदार धातु है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।